नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं जो कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है। जी हां, हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने, भारतीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने और जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखें बढ़ाने की अपील की थी, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जो चिट्ठी चुनाव आयोग के पास लंबित थी और उस चिट्ठी के ऊपर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर यह कहा गया था कि अगर 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होते हैं तो लगातार 4 से 5 छुट्टियां आ रही हैं, इन छुट्टियों में लोग वोट करने के लिए निकलेंगे नहीं, लेकिन जो ये लोग हैं ये घूमने फिरने के लिए चले जाएंगे, आउटिंग के लिए निकल जाएंगे, जिसकी वजह से चुनाव मतदान कम होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब हरियाणा के अंदर जो चुनाव की तारीख है वो हो गई है 5 अक्टूबर 2024, यानी कि अब 5 अक्टूबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होगा और 8 अक्टूबर 2024 को गिनती होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है वो 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को ही होंगे, लेकिन हरियाणा को लेकर तारीख बदल दी गई है। अब ये तारीख हो गई है 5 अक्टूबर 2024। जो काउंटिंग की डेट थी यानी जिस दिन चुनाव नतीजे आने थे वो 4 अक्टूबर की तारीख थी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए, अब उस तारीख को कर दिया गया है 8 अक्टूबर। यानी कि अब आप 5 अक्टूबर को वोट डालेंगे जिस दिन शनिवार है, और मंगलवार के दिन अब हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, यह बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। चुनाव आयोग ने, ये देखिए मेरे फोन पर आप देख सकते हैं कि बड़ा फैसला ले लिया है। जो संजीव कुमार प्रसाद है, सेक्रेटरी है चुनाव आयोग के, उन्होंने ये फैसला अभी अभी कुछ देर पहले किया है और ये जो तारीखें हैं ये अब दे दी गई हैं। इसमें एक और बड़ा बदलाव है, अगर कोई भी उम्मीदवार यानी कि चुनाव से अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है उसकी तारीख भी 16/9/2024 कर दी गई है, ये बदलाव फिलहाल दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अब चुनाव के जो नतीजे हैं वो आएंगे 8 अक्टूबर को। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी चुनाव को लटकाना चाहती है, हम जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं। बीजेपी और जेजेपी ने चुनाव की तारीखें बदलने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने फिलहाल मान लिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर चुनावों की तारीख बदलती नहीं है तो चुनाव के दिन जो मतदान है वो कम हो सकता है, और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।